नमस्कार दोस्तों, कपिल कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड जो अपना सिलेबस है इकोनॉमिक्स का और मैनेजमेंट का कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है, जूनियर अकाउंटेंट बैच से जो जुड़े हुए हैं जो साथी हमारे, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए पहली खुशखबरी ये है कि 20 अप्रैल से पहले पहले आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। ये अधीनस्थ बोर्ड ने अभी दो तीन दिन पहले ही ट्वीट किया है इसके लिए कि 20 अप्रैल से पहले पहले अपन दोनों का, 10+2 का भी और ग्रेजुएशन का भी, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 20 तारीख से पहले पहले। अब जो जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे थोड़ा अवेयर रहें इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने तो सेकेंड पेपर शायद पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नॉन कॉमर्स वाले जो नए बच्चे से जुड़ रहे हैं वो इस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि कॉमर्स की कुछ जो चीज़ें हैं उनको वो पढ़ें। पहले एक बार पढ़ ले, 20 तारीख से पहले पढ़ ले थोड़ा हल्का हल्का, तो हल्का हल्का पढ़ लेंगे तो उनको क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें पढ़ना क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपन क्या करना है, कपिल कॉमर्स क्लासेज से जुड़ना है सबसे पहले, ये करना, क्योंकि हम यहाँ पे उन बच्चों का जो नॉन कॉमर्स हैं और जो कॉमर्स हैं उन दोनों को सरल भाषा में हर चीज़ समझाएंगे जूनियर अकाउंटेंट से जुड़ी हुई है। तो अपना जो टॉपिक है आज का बिजनेस मैनेजमेंट से, आपके सिलेबस में दे रखा है बिजनेस मेथड से रिलेटेड, उसमें उन्होंने दे रखा है इंट्रोडक्शन, बिजनेस के इंट्रोडक्शन यानी कि उसका परिचय, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व, उसके क्षेत्र, व्यवसाय के एथिक्स तथा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है यानी कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सिलेबस में दे रखी, दो टॉपिक में दे रखा है उन्होंने सिलेबस में, तो अपन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है, व्यवसाय किसे कहा गया, व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं, व्यवसाय के महत्व क्या हैं, सबसे अपन पहले वहाँ। लेकिन उससे पहले अपन एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे कि इसके प्रकार के बारे में कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है, तो इसकी अपन यहाँ सबसे पहले छोटी सी चर्चा करते हैं। अपन ये तो पढ़ेंगे कि व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय की विशेषताएं क्या है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, कि जिससे आपको ये पता लगे कि जैसे अपन व्यवसाय की विशेषताओं पे जाएंगे या उसके महत्व पे जाएंगे तो उनसे पहले अपने को ये पता लग जाएगा कि इन इन चीज़ों में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपना जो व्यवसाय का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा आपका, तो पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा सोल ट्रेड। इसको बोलते हैं क्या, सोल ट्रेड को क्या बोलते हैं, एकल व्यवसाय यानी कि एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय, जिसको एक व्यवसाय के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरा आता है HUF, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, HUF होता क्या है, बाकी जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं उनको लगता है कि उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन अपन जब जाएंगे 11वीं की क्लास में सबसे पहले कॉमर्स में यही आता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको बोलते हैं HUF, जो मतलब तीन पीढ़ियों तक इसका क्या होता है, उत्तराधिकार चलता रहता है, तीन पीढ़ी तक व्यवसाय चलता है उसको बोलते हैं HUF, ठीक है। मतलब वो व्यक्ति जो सबसे वृद्ध है, तीन पीढ़ियों में जो सबसे वृद्ध है वो इसका संचालन करता है, वो संचालनकर्ता कहलाता है, बाकी के जो सहमासी होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो इसके सहमासी कहलाते हैं और उनका समान अधिकार होता है। तीसरा जो अपना व्यवसाय का प्रकार है वो है पार्टनरशिप, साझेदारी, एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जो व्यवसाय करेंगे वो क्या कहलाएगा, साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा। फिर आता है अपने पास कंपनी कोऑपरेटिव और PSU वगैरह। अब ये तो बात हुई इनके प्रकार की, अब बात करते हैं अपन व्यवसाय कहते किसे हैं। पहली बात आएगी अपने पास किसकी, व्यवसाय कहाँ किसे जाएगा, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। भाई सबसे पहले किसने दिया था, जैसे कि अपन बात करते हैं हैने की, हैने ने क्या कहा कि वह मानवीय क्रियाएं जिनके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और लाभ कमाया जाता है व्यवसाय कहलाता है। व्हीलर ने इसकी परिभाषाएं दी, उर्विक ने इसकी परिभाषाएं दी। तो ये तो क्या थी इनकी परिभाषाओं से रिलेटेड कि भाई किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यवसाय की परिभाषा से कि परिभाषा है क्या, व्यवसाय कहते किसे हैं। बिजनेस का मीनिंग क्या है, मीनिंग सबसे अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले मीनिंग का अर्थ। इसमें पहला जो टॉपिक है अपना सिलेबस का उसमें इसने क्या क्या दिया है, एक तो दिया है मीनिंग, ठीक है, दूसरा इसने दिया है स्कोप,
मतलब इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है इम्पोर्टेंस, फिर इसने दिए एथिक्स, यानी कि इसका स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस। पहले टॉपिक में तो दो चीजें हैं, व्यवसाय का अर्थ, परिभाषा, दोनों चीज आ जाएंगी इस मीनिंग में, क्या क्या दोनों दोनों चीजें शामिल होंगी, अर्थ और परिभाषा। दूसरा इसका रहेगा क्षेत्र और इसकी विशेषताएं, करेक्टरिज्म, करेक्टिस, इंपोर्टेंस, महत्व, और फिर इसकी रहेंगी विशेषताएं। ये पहला टॉपिक रहेगा अपने पास, और जो दूसरा जो टॉपिक रहेगा अपना बिजनेस मेथड से संबंधित, वो रहेगा ये कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में अपन को पढ़ना है। तो अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे कि हैने ने क्या कहा था, इसकी परिभाषा है क्या। सबसे अपन पहले पढ़ रहे किसका, हैने का। हैने ने क्या कहा था, व्यवसाय की परिभाषा के रूप में क्या कि वह मानवीय क्रियाएं जो वस्तु एम किसका एम सेवाओं का जो क्रय विक्रय करती है और लाभ कमाता है। आपको क्या पढ़, आपको क्या समझना है, ऐसी मानवीय क्रियाएं जिनका उद्देश्य वस्तुओं का क्रय विक्रय और लाभ कमाना है। ये किसने कहा था, ये कहा था हैने ने। सबसे पहले अपन किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हैने की, व्यवसाय होता क्या है। वैसे तो व्यवसाय में क्या चीज़ें शामिल है, जितने भी जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। पहला क्या है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, यानी कि नव प्रवर्तन करना, लाभ कमाना, ये सब किस में शामिल है, व्यवसाय की परिभाषा से रिलेटेड है। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हैने ने क्या कहा, वह मानवीय क्रिया, वह मानवीय क्रिया जिसके द्वारा क्या किया जाए, वस्तु का क्रय विक्रय, जिसके द्वारा वस्तुओं का क्या किया जाए, क्रय विक्रय। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्रय विक्रय करते हुए लाभ कमाना, क्रय विक्रय करते हुए लाभ कमाना। अब अपन ने ये किसकी परिभाषा देखी, हैने की। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हैने ने क्या कहा था, तो सबसे पहले क्या समझना है आपको, हैने ने क्या कहा, हैने ने कहा कि वह मानवीय क्रिया जिसके द्वारा क्या हो, क्रय विक्रय करते हुए लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य हो क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। यह परिभाषा किसने दी थी, हैने ने। तो अपन हैने में क्या शामिल करेंगे, आपसे पूछ सकता है कि हैने ने क्या डेफिनेशन दी थी, हैने की क्या डेफिनेशन थी, व्हीलर ने क्या कहा था, व्हीलर ने क्या परिभाषा दी थी, व्हीलर ने यह परिभाषा दी थी जो निजी लाभ की प्रेरणा से या समाज को वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठन एवं संचालन किया जाते हैं, ऐसा व्यवसाय या ऐसी संस्था जो लाभ कमाने का उद्देश्य हो जिसका, और क्या करना हो, समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना जिसका उद्देश्य हो, वो क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। तो अपन ने यहाँ पढ़ा कि ये हैने तो क्या कह रहा है, हैने कह रहा है कि जिसका क्या हो, मानवीय क्रिया, इसने किस में शामिल किया है, मानवीय क्रिया को शामिल किया है। और ये व्हीलर कह रहा है कि सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि, सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि, मतलब इन दोनों का उद्देश्य क्या है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, यहां भी लाभ कमाना है, मानवीय क्रिया जिसे जो क्या करती है, वस्तु और सेवा का क्रय करती है, वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय करती है,
वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय करती है। और यह क्या करते, विलर ने क्या कहा, वेल विलर ने इसकी परिभाषा में कहा कि सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि करते हुए दोनों का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। तो अपने को एक छोटा सा पॉइंट ये बनता है कि जैसे कि पूछ सकते हैं अपने से कि भाई इसकी सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि की परिभाषा किसने दी थी, विलर ने दी थी, और हैने ने क्या कहा था, मानवीय क्रिया जो क्रय वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। व्यवसाय का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि लाभ कमाना, ठीक है। अब ये तो अपने थे परिभाषा से रिलेटेड संबंधित, ये तो अपना किससे संबंधित है, परिभाषा से संबंधित। लेकिन अब बात आएगी किसकी, इसका विशेषताएं है क्या हैं भाई, ये अपने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है परिभाषाएं। उर्विक ने भी इसकी परिभाषा दी थी, जो संस्था वस्तुओं का उत्पादन करती है, वितरण करती है और आवश्यकताओं की संतुष्टि की पूर्ति करके लाभ कमाती है वो क्या कहलाएगी, व्यवसाय कहलाएगा। तो हैने, उर्विक और व्हीलर, इन तीनों ने परिभाषाएं दी थी, ये तीनों परिभाषाएं आपको याद करनी है। और हो सकता है कि ऑप्शनल में ये पूछ सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित किसने दी थी, हैने ने दी थी। सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि किसने दी, विलर के द्वारा दी। और उर्विक ने क्या कहा था, उर्विक ने कहा था कि उर्विक कहता है उत्पादन और वितरण किनके लिए, जो समाज के लिए उत्पादन और वितरण कर रहा है। लेकिन इसमें भी कहा, इसने क्या कहा, लाभ का उद्देश्य, लाभ का उद्देश्य, मतलब मेन बात यह है कि सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हुए जिस संस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, वही व्यवसाय है। मेन बात तो आपको यह याद रखनी है सबसे पहले कि कोई भी चीज आप जो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ रहे हो, उनका निष्कर्ष क्या होता है, उनका परिणाम होता है आर्थिक, यानी कि वो क्रियाएं जो आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है वो कॉमर्स में शामिल है, वो व्यवसाय से रिलेटेड है। ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिसका प्रतिफल नहीं हो, यानी कि जिससे आर्थिक प्रतिफल नहीं हो, वो क्रियाएं कॉमर्स में शामिल नहीं की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि हर चीज़ का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक रूप से, मतलब आर्थिक लाभ होना जरूरी है उसे। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, अमीर ने देखो परिभाषा, परिभाषा अपने किन का पढ़ा, तीन विद्वानों की परिभाषाएं हैं अपने पास यहाँ पे। पहली थी हैने की, दूसरी है उर्विक की या व्हीलर, और तीसरी है व्हीलर की, ठीक है। अब इन तीनों परिभाषाओं का याद कर लेना, आपसे कोई सी भी परिभाषा पूछी जा सकती है। मैंने बताया कि हैने ने क्या कहा था, हैने ने जो कहा मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि, ठीक है, और ये किससे है, सामाजिक से रिलेटेड है, सॉरी व्हीलर ने कहा था सामाजिक से रिलेटेड, और ये किसकी है, उत्पादन और वितरण। आपको परिभाषाओं के छोटे छोटे शब्द पकड़ना है, सिर्फ शब्दों से पकड़ के अपन क्या कर सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसने कौन सी परिभाषा दी थी, ठीक है। अब बात आती है कि व्यवसाय का विशेषताएं क्या क्या हैं, व्यवसाय की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता क्या हो सकती है, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, अपन इस चीज को समझते हैं कि व्यवसाय का पहला उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है व्यवसाय का, उद्देश्यों में पहला आ जाएगा लाभ कमाना। पहला उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। भाई एक व्यवसाय की स्थापना क्यों की जा रही है, एक व्यवसाय की स्थापना की जा रही है सामाजिक संतुष्टि और उसके साथ लाभ कमाना। यह आपको याद रखना है कि सामाजिक संतुष्टि और लाभ कमाना केवल लाभ कमाना नहीं है, लेकिन प्राइमरी रूप से यदि प्राथमिक उसका उद्देश्य माना जाए, ये जो सामाजिक संतुष्टि है, सामाजिक संतुष्टि आएगी उसके गौण उद्देश्यों में, लेकिन जो प्रारंभिक या प्राथमिक जो उद्देश्य माना जाता है वो है लाभ कमाना, ठीक है। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ उसका, या विशेषताओं में क्या आएगा, लाभ कमाना।
अब बात आती है सबसे पहले कि इनकी विशेषताओं के रूप में अपन देखते हैं। विशेषताओं में यह एक क्या है, मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, लाभ कमाना होता है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। दूसरी बात, नव प्रवर्तन, वस्तुओं का क्रय विक्रय, ये किसकी परी विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, किसकी, व्यवसाय की। तो ये कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्यवसाय से अपन इजी वे में सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कि अपने अपने एक दुकान की स्थापना क्यों करते हैं, एक दुकान की स्थापना करने का मुख्य अपना पर्पज क्या होता है, अपना मुख्य पर्पज यही है कि अपन लाभ कमाएं। लेकिन उसके साथ क्या है भाई, अपन लाभ कमाने के साथ साथ क्या करेंगे, लाभ तो कमाएंगे कमाएंगे, लाभ कब कमाएंगे, तब अपन ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे। ग्राहकों को जो चीज़ चाहिए, मतलब मेन बात क्या होता है, उचित समय, उचित स्थान और उचित मूल्य पर जो चीज़ें ग्राहक को मिलती है, उससे क्या मिलता है, ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है। तो सबसे पहला अपना क्या रहेगा, लाभ कमाना। दूसरा गौण उद्देश्य क्या रहेगा भाई, आवश्यक ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि। अब बात आती है तीसरा क्या रहेगा, अब बात इससे क्या रहेगी, तीसरे से क्या फर्क पड़ेगा भाई, अपन लाभ कमा रहे हैं, दूसरा सामाजिक संतुष्टि मिल रही है, तीसरा क्या होगा भाई, सामाजिक जीवन स्तर बढ़ेगा, सामाजिक जीवन स्तर बढ़ेगा, अपनी खुद की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, खुद का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तीसरी बात कि भाई अपने व्यवसाय की स्थापना कर ली एक दुकान की, अपन क्या करेंगे, जो ब्रांड है, अच्छी अच्छी वस्तुएं रखेंगे, अच्छी अच्छी ब्रांड की चीज़ें रखेंगे अपने दुकान में के अंदर, तो क्या होगा, ख्याति में वृद्धि होगी व्यवसाय के, व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होगी तो लाभों में वृद्धि होगी। अगर अपन यहाँ अपने अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं कि ग्राहक दुकान के नाम से ही, मतलब इतनी ख्याति हो जाए कि ग्राहक अपने नाम से ही क्या आ रहा है, दुकान के नाम से ही ग्राहक खरीदने आ रहा है दूर दूर से चीज़ें, तो ये क्या हुआ, ये व्यवसाय की एक क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी बन जाती है। इससे अपन बोलते हैं इसको, मतलब एक साख सृजन क्षमता हो गई व्यवसाय की। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, लाभ कमाना। अब लाभ मुख्य उद्देश्य तो क्या है, लाभ कमाना है व्यवसाय की स्थापना से रिलेटेड। अब बात आती है, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे उद्देश्य, उद्देश्य से पहले अपन देखते हैं एक बार इसकी विशेषताओं के बारे में, आप पहले विशेषताओं देख लें इसकी। विशेषताएं, तो विशेषताओं में पहले क्या आएगा, मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया भाई कौन शामिल होता है व्यवसाय में, एक मानव, चारों तरफ क्या है, मानव, मानव संसाधन है, एक मानव के द्वारा चलाया जाएगा, खरीदने वाला भी मानव रहेगा, ऊपर से नीचे तक क्या है, मानव, एक मानवीय क्रिया है। दूसरी समाज से संबंधित है, एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया। तीसरा आ जाएगा, एक मानवीय क्रिया, एक सामाजिक क्रिया, वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय हो गया। विशेषताओं में अपन विशेषता परिभाषा से बना सकते हैं, क्योंकि भाई एक व्यवसाय की उर्विक ने जो दी थी, हैने ने जी थी, और व्हीलर ने जो परिभाषाएं दी, उनसे ही बना सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, सामाजिक संतुष्टि, एक व्यवसाय से क्या मिलती है, सामाजिक संतुष्टि मिलती है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, लाभ कमाना, ये सब किसमें, व्यवसाय की विशेषताओं में शामिल है। अब बात आती है, अपन ने क्या पढ़ा, दूसरा अपना टॉपिक क्या था इसका, विशेषताओं के बाद इसके उद्देश्य थे, विशेषताएं मानवीय क्रिया, वस्तु एवं सेवाओं में क्या व्यवहारों में निरंतरता रहती है व्यवसाय से, ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाओं का संभावना, नियमन और वैधानिकता, आवश्यकताओं की सुगम पूर्ति, ये सब क्या है, इनकी विशेषताओं में शामिल है। अब बात अपन करते हैं इन सब चीज़ों को, अब बिल्कुल ये बेसिक है इसका, अब इनको छोड़ के अपन करते हैं जो मेन अपना टॉपिक है, क्या है, सोल ट्रेड। अब आते हैं अपन सबसे पहले किस पे, सोल ट्रेड पे। इसे क्या कहा जाता है, एकल व्यवसाय,
अब बात करते हैं एकल व्यवसाय के। अपन एकल व्यवसाय क्या है? एकल व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवसाय क्या कहलाएगा? एकल व्यवसाय कहलाएगा। पहली बात इसकी परिभाषा से रिलेटेड, यानी कि इसका अर्थ, जब एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवसाय क्या कहलाएगा? एकल व्यवसाय कहलाएगा। इस सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अपन इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है एकल व्यवसाय में, यानी एक व्यक्ति चला रहा है, एक व्यक्ति पूंजी लगा रहा है जिसमें, एक व्यक्ति जिसका प्रबंध कर रहा है, एक व्यक्ति ही संचालन कर रहा है, एक व्यक्ति ही नियंत्रण कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? एकल व्यवसाय कहलाएगा। अब एकल व्यवसाय से अपन इसका अर्थ पे जाते हैं, इसकी विशेषताओं पे जाते हैं, इसके महत्व पे जाते हैं। बात क्या आती है? वही व्यवसाय से रिलेटेड, भाई जो व्यवसाय की जो विशेषताएं, जो महत्व थी, वो ही क्या रहेंगी? इसमें रहेंगी। लेकिन इसमें एक फर्क है। इसमें क्या रहेगा एकल व्यवसाय में? एकल व्यवसाय में ये व्यवसाय का जो प्रारंभिक जो स्वरूप है, जब अपने पास मतलब देश आज़ादी से पहले जब ना तो पार्टनरशिप थी ना कंपनी थी, इन सबसे पहले क्या दो चीज़ें थी अपने पास? एक तो सोल ट्रेड थी और एक HUF थी। HUF और सोल ट्रेड, HUF में क्या शामिल था वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन कर रहे हैं सोल ट्रेड की, यानी कि एकल व्यवसाय की। तो एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नियंत्रित जो व्यवसाय, वो कौन सा व्यवसाय कहलाएगा? एकल व्यवसाय कहलाएगा। हो सकता है आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा वो इनकी विशेषताओं से रिलेटेड होगा कि इसमें एकल व्यवसाय में क्या होता है। अपन सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। पहले इसमें एकल व्यवसाय में जो चीज़ें आती हैं, पहला होता है असीमित दायित्व। आपसे जो पूछने की जो चीज़ है ना, वो पूछेगा असीमित दायित्व, ये इसकी विशेषता है। किसकी? एकल व्यवसाय की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब एकल व्यवसाय में क्या होता है? एक व्यवसायी द्वारा पूंजी लगाई जाती है, ठीक है भाई, एक व्यक्ति ही पूंजी लगाता है, एक व्यक्ति उसका नियमन नियंत्रण करता है, एक व्यक्ति संचालन करता है, मतलब जो भी व्यवसाय से संबंधित काम है, मतलब मैनेजमेंट भी कौन कर रहा है? एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है मैनेजमेंट भी। साथ में जो कोई चीज लेके आनी है या क्रय विक्रय का काम कर रहा है, वो भी एक व्यक्ति कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि एकल व्यवसाय क्या है? जो एक व्यक्ति द्वारा जिसका प्रबंध एवं संचालन किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? एकल व्यवसाय कहलाएगा। अब एकल व्यवसाय की मेन बात क्या है? सबको पता है एकल व्यवसाय किसे कहा जाता है, ये तो अपन को समझ में आ गया। लेकिन जो परीक्षा में जो पूछा जाएगा एकल व्यवसाय से रिलेटेड, अपन उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो उसकी बात ये है कि इसकी विशेषताओं में मुख्य इसकी विशेषता क्या है? असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब? यहाँ ये है, ये कहना चाह रहा है कि अगर व्यवसाय को हानि होती है या अगर व्यवसाय किसी चीज़ के प्रति दायी है, तो उसका निजी जो संपत्ति है वो भी किस में शामिल रहेगी? एक व्यवसाय की व्यवसाय में अटैच रहेगी, यानी कि इसका संबंध निजी रूप निजी संपत्ति से भी रहेगा। किसका? व्यवसाय का। मतलब इसका पृथक अस्तित्व नहीं है। किसका? एकल व्यवसाय का। आप ये समझ लीजिए, अगर व्यवसाय को 1,00,000 रुपए की हानि होती है, तो उसकी जो निजी संपत्ति है, अगर व्यवसाय से उसके रिकवर नहीं किया जा रहा है, अगर व्यवसाय से अपन 1,00,000 की हानि को पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसकी निजी संपत्ति को भी बेचकर उसकी हानि को, हानि की पूर्ति की जाएगी। समझ गए आप कि असीमित दायित्व क्या है? असीमित दायित्व में यही है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती दायित्व की, मतलब कोई सीमा नहीं है। अगर व्यवसाय में हानि हुई थी, उसकी जो निजी संपत्ति है वो भी उसके लिए दायी रहेगी। किसके लिए? हानि की क्षतिपूर्ति के लिए, पहला पॉइंट। अब बात आती है इसमें क्या होता है। पहला तो असीमित क्या होता है? दायित्व होता है। दूसरी जो बात है ना, पहली दूसरी बात होती है इसका पृथक अस्तित्व नहीं होता है। पृथक अस्तित्व पृथक अस्तित्व नहीं। यानी कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों एक हैं। इसका कहने का मतलब यह है, कंपनी में क्या होता है,
कंपनी एक खुद कृत्रिम व्यक्ति होती है, लेकिन एकल व्यवसाय में सोल ट्रेड में क्या होता है कि वही व्यवसायी है और वही व्यवसाय है, मतलब आदि और अंत दोनों, प्रारंभ भी एक एकल व्यक्ति से होता है, एक व्यक्ति से, और अंत भी उसी पे हो रहा है। तो ये क्या कहे, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि उसका जैसे कि असीमित अस्तित्व था, असीमित सॉरी दायित्व, और उसी प्रकार से इसका क्या है, पृथक अस्तित्व नहीं है। जैसे कि कंपनी का अपन देखेंगे, यही चीज़ पार्टनरशिप में आएगी। ये क्या हुआ था कि जैसे पहले सोल ट्रेड से और HUF दो चीज़ें थी, फिर इनका सुधारात्मक जो प्रारूप था अपने पास देखने को मिला पार्टनरशिप, जिसमें कुछ सुधार किए गए। फिर इसमें भी क्या था, इस पार्टनरशिप में भी सुधार करने के लिए क्या क्या LLP एक्ट आया था। LLP एक्ट आया 2008 में और 1 अप्रैल 2009 में LLP एक्ट को क्या किया, इसमें क्या था LLP एक्ट में जो चीज़ थी मेन क्या थी, लिमिटेड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये इसका मतलब ये था। ये इन सब का क्या था, सुधारात्मक प्रारूप था। भाई पहले अपन ने सबसे पहले देखा एकल सोल ट्रेड मतलब एकल व्यवसाय, एकल व्यवसाय के बाद आएगा HUF, फिर अपन बढ़ते जा रहे हैं इधर। ये इसका प्रारूप है, किसका, पार्टनरशिप का, लेकिन इसका भी सुधारात्मक प्रारूप इसमें आएगा और इसमें भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं, अपना जो टॉपिक है पहला बिजनेस मेथड में अपन देख रहे हैं सोल ट्रेड को, व्यवसाय अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन जो व्यवसाय में अपन ने पढ़ा है वो बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल बेसिक है। आपको उसका ज़्यादा मैं उसके टॉपिक थोड़े थोड़े लिखवा दूंगा आपकी, कि विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, लेकिन उनसे पहले अपन किस चीज़ को समझना जरूरी, इसको प्रारूप को यदि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझ जाएँ तो विशेषताएँ और महत्व अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इनमें सब में आएंगी चीज़ें। तो पहली इसकी विशेषता क्या थी, पहली विशेषता थी अपन ने सोल ट्रेड को पढ़ रहे थे और सोल ट्रेड की पहली विशेषता थी अपने पास असीमित, पहला था असीमित दायित्व, दूसरा क्या था कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों एक है, ये क्या था पहला। अब तीसरी बात आती है, पृथक अस्तित्व नहीं है इसका, पहला अपन ने पढ़ा असीमित दायित्व, अपन पढ़ते हैं सीमित पूंजी। भाई आपको भी पता है कि एक व्यक्ति के पास कितनी पूंजी हो सकती है, कितने पैसे लगा सकता है वो, तो अपना दूसरा है सीमित पूंजी। भाई एक व्यक्ति के पास क्या रहेगी, सीमित पूंजी रहेगी, बात होगी। सीमित पूंजी, सीमित क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, सीमित पूंजी। भाई एक व्यक्ति के पास कितनी पूंजी, उस कितना धन हो सकता है, वो पूरा तो अपना लगा नहीं सकता, एक लिमिटेड है, मतलब उसके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है और जितना वो खर्च कर सकता है व्यवसाय में उसने खर्च कर दिया है। अब जो भी व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेंगे तो किसको झेल लें, वो एकल व्यवसायी को झेल लें। इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। अगला क्या है, ऐसे सीमित क्षेत्र होता है, एक आदमी की कार्यकुशलता ये तो है नहीं कि भाई वो हर कार्य में दक्ष रहेगा, उसकी कार्यकुशलता, उसकी पूंजी सब में क्या है, सीमित है वो, मतलब हर आदमी को मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, अकाउंटिंग भी वही देख रहा है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी वही कर रहा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सब कार्य तो नहीं कर सकता एक व्यक्ति, तो इसलिए अपन कह सकते हैं इसके पास क्या होता है, सीमित क्षेत्र होते हैं, सीमित पूंजी होती है, असीमित दायित्व। मेन जो परीक्षा में जो पूछी जाने वाली बात है ना, बात दो है, एक तो असीमित दायित्व और एक पृथक अस्तित्व नहीं, पृथक अस्तित्व नहीं होगा। बात यह है, आपसे पूछ सकता है कि पृथक अस्तित्व होता है या नहीं होता है, तो एकल व्यवसाय में पृथक अस्तित्व नहीं होता है
और बात आएगी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछा गया एसएमई दायित्व के बारे में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट हो या फर्स्ट ग्रेड हो, तो एकल व्यवसाय से रिलेटेड एक ही चीज आती है, क्या आती है, वो है असीमित दायित्व। किसमें होता है असीमित दायित्व? एकल व्यवसाय में और पार्टनरशिप में, दोनों में जो रहेगा, जो बिजनेस करता है, यानी कि इसको अपन प्रोपराइटर बोल सकते हैं, जो प्रोपराइटर उसका क्या रहेगा, असीमित रहेगा दायित्व। ठीक है, भाई सिलेबस में देखते हैं और क्या क्या दे रखा है आपके, भाई इसमें दे रखा है ना सोल पार्टनरशिप और कंपनी, क्या क्या चीजें दे रखी है, एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व प्रबंध, कौन करेगा एकल स्वामित्व प्रबंध, एक एकल व्यवसाय के द्वारा किया जाएगा, भाई ये एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति ही क्या कर रहा है, प्रबंध कर रहा है, तो अपने को नाम से पता चल रहा है, अपने को जो कठिनाई आने वाली है आगे वो पार्टनरशिप और कंपनी में आएगी, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ लें एकल व्यवसाय को, पढ़ रहे हैं सोल ट्रेड को, और सोल ट्रेड में मेन क्या है, सोल ट्रेड में मैंने बताया आपको कि आपको जो चीजें पढ़नी है ना वो पढ़ रहा, जो समझने की चीज है एकल व्यवसाय में, एकल व्यवसाय में आपको पढ़ना है, एक तो पृथक अस्तित्व नहीं होता है, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात असीमित दायित्व से रिलेटेड। अब बात आती है इसमें होता क्या क्या है, भाई इसकी यदि अपन विशेषताएं की बात करें, अपन एकल स्वामित्व तो होता है, एकल स्वामी के द्वारा प्रबंध किया जाता है, व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है, एक बात और है इसमें, इसमें क्या होता है कि व्यवसाय में स्वतंत्रता रहती है, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, अपनी मनमानी से व्यवसाय स्वतंत्र है, जब चाहे बंद कर सकता है, जब चाहे खोल सकता है, दूसरी बात कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं होती है, यानी कि वैधानिक अनिवार्यता जीरो होती है। एक जो बात है आपको याद रखने की, वैधानिक अनिवार्यता नहीं, वैधानिक अनिवार्यता नहीं, मतलब सोल ट्रेड के लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको कैंसिल, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। बाकी अपन यहां पढ़ेंगे पार्टनरशिप, कंपनी, इन सब में क्या होगा, इन सब में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इनके एक्ट, लेकिन इसका कोई एक्ट नहीं है, सोल ट्रेड का, सोल ट्रेड का क्या नहीं, कोई भी एक्ट नहीं है इसमें, क्या वैधानिक अनिवार्यता नहीं होती है और व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है। पहला पढ़ने पड़ा एकल स्वामित्व होता है, एकल स्वामित्व प्रबंध होता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है, गोपनीयता, अब गोपनीयता की बात आती है, एक व्यवसायी जितने भी व्यवसाय से संबंधित जो निर्णय लेगा तो क्या रहेंगे, गोपनीय रहेंगे। अगर एक दुकानदार अपने निर्णय को दुकानदार दूसरे दुकानदार को बता देता है कि हाँ कि मैंने ये मार्केटिंग से रिलेटेड ये चीज़ सोची है, तो क्या रहेगा भाई, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उसके पास चली जाएगी, तो क्या उसकी बिक्री कम हो जाएगी, उसकी तो दुकान ठप हो जाएगी ना उधर। तो इसमें क्या रहता है कि जो व्यवसायिक जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें गोपनीयता बनी रहती है, अपने निर्णय किसी दूसरे को नहीं बता पाता, ठीक है, बताएगा भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, जितनी प्रतिस्पर्धा है, जितना कंपटीशन है, उस हिसाब से क्या करता है, अलग अलग चीज़ें सोचता है एक व्यवसायी कि मैं कैसे कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा 10% डिस्काउंट, कितने पे, 1000 की आप कोई भी चीज़ लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, कोई 20% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है, ये क्या है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, जिसमें मार्केट में प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए व्यवसाय क्या करता है, ऐसे डिस्काउंट, नगद छूट, कैश डिस्काउंट, या फिर 1000 की चीज़ पे आपको कितना मिल रहा है, 10% ऑफ मिल रहा है, या आपने देखा होगा कि इसके साथ ये फ्री मिलेगा, मतलब दो चीज़ खरीदो एक फ्री है, पाँच चीज़ें अपन पाँच वस्तुएँ खरीद रहे एक फ्री मिल रही है, तो ये एक मार्केटिंग है। इस प्रकार से व्यवसाय क्या कर सकता है, अपन एकल व्यवसाय की बात करें तो एकल व्यवसाय में एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा प्रबंध किया जाता है और एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब इसके यदि अर्थ में देखें अपन परिभाषा के रूप में,
तो एक व्यवसायी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, सॉरी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित और प्रबंध किए जाने वाले व्यवसाय को क्या कहते हैं? एकल व्यवसाय कहते हैं। बाकी इनकी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी, तो अपन परिभाषाओं के रूप में देखेंगे। तो हैने ने क्या कहा? हैने ने व्यवसाय की परिभाषा दी, व्हीलर ने दी, और किसने दी? उर्विक ने दी। उन तीनों ने ही एकल व्यवसाय को भी परिभाषित किया इसी प्रकार कि एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा रहा, वो क्या कह रहा है? एकल व्यवसाय कहला रहा है। दूसरे दूसरे पर उर्विक ने क्या परिभाषा दी थी कि उत्पादन और वितरण। उन्होंने कहा था, मैंने पहले समझाया था आपको कि सामाजिक मानवीय तो जहां आ जाए वहां तो हैने लिखना है, जहां पे मैं मानवीय से रिलेटेड बात हो वहां तो हैने की बात आएगी भाई। जहां पे हैने आ जाए हाँ, किसको याद करना है अपने को? मानवीय। और जहां पे बात आ जाए व्हीलर की, व्हीलर ने क्या कहा था? व्हीलर ने दिया था सामाजिक सामाजिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि। और उर्विक ने क्या कहा था? उर्विक ने कहा था उत्पादन और वितरण, उत्पादन और वितरण। इनकी परिभाषा में इन तीनों ने किसको परिभाषित किया? इन तीनों ने परिभाषित किया था बिजनेस को। और बिजनेस में जिसमें सोल ट्रेड की इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी सोल ट्रेड की, तो सोल ट्रेड की डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि इनका एकल व्यक्ति, एक सिर्फ आपको ये ऐड करना है एकल व्यक्ति के द्वारा, ठीक है? तो अपनी बात सोल ट्रेड में क्या बताया हमने? भाई एकल व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा प्रबंध किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाता है, व्यवसाय में निरंतरता रहती है और व्यवसाय की स्वतंत्रता रहती है, निरंतरता रहती है और स्वतंत्रता रहती है। और तीसरी बात क्या थी? कि वैधानिकता की जो अनिवार्यता है वो नहीं है, मतलब वैधानिक अनिवार्य नहीं। मतलब इसमें क्या वैधानिक अनिवार्य में? जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होगा, कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, या 1956 पहले जो एक्ट था उससे रजिस्टर्ड होगी कंपनियां। लेकिन इसमें किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैधानिक जो अनिवार्यता है उसकी पूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन ने सोचा कि अपने को पैसे लगाने हैं, अपने दुकान खोल ली और दुकान खोल ली, व्यवसाय का संचालन शुरू कर दिया, कोई वैधानिक पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही बात आती है पार्टनरशिप की और जहाँ पे कंपनी की, तो उन्हें क्या होता है? उन्हें वैधानिक अनिवार्यता ही होती है, उनका पूर्ति करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात अपनी इसकी, पृथक अस्तित्व नहीं होता है पृथक अस्तित्व। बात आती है कि इसमें सीमित क्षेत्र होते हैं, इसका सीमित पूंजी क्षेत्र होता है, सीमित कार्यकुशलता होती है और असीमित दायित्व होते हैं। आपको जो मेन आपको जो याद करना है वो करना है क्या कि सीमित क्या होता है? असीमित दायित्व होते हैं। पढ़ लिया, सीमित व्यापार क्षेत्र, असीमित दायित्व, और क्या होंगे भी? लाभ भी तो सीमित रहेगा ना भाई, लाभ भी सीमित है, समाज का क्षेत्र भी सीमित है। एक दुकानदार, एक दुकान कहाँ तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है वस्तुओं और सेवाओं का? तो उसके पास क्या है? अधिकार क्षेत्र भी सीमित है। तो अपन ने अभी तक कितनी चीजें पढ़ी है भाई, इसकी विशेषताएं और महत्व। महत्व एकल व्यवसाय का महत्व क्या है भाई? व्यापार प्रारंभ करने में क्या होती है? सुगमता होती है, क्योंकि मतलब अपन कहते हैं कि वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो गया? सुगमता है, व्यापार संचालन में सुगमता है, ठीक है? शीघ्र निर्णय लिख जा सकते हैं, गोपनीयता बनी रहती है किनकी? निर्णयों की। तो इनकी जो मेन बात है, मितव्यता, गोपनीयता, व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, पूर्ण नियंत्रण होता है, एकाधिकार होता है, बहुत सी चीजें हैं। मतलब जो छोटी छोटी जो चीजें जुड़ी हुई हैं एकल व्यवसाय से या सोल ट्रेड से, आप इसका कंसेप्ट दुकान से लेके चलो कि एक दुकानदार जो एक व्यवसायी है, क्योंकि सीमित चीजें हैं यहाँ पे, जो छोटी चीजें हैं। मार्केट का सबसे जो छोटा जो प्रारूप है ना, वो क्या है? एक दुकान है, एक छोटी दुकान, यानी कि सोल ट्रेड जिसको अपन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? HUF की। ये HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
इसकी फुल फॉर्म क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये क्या चीज़ है, अब बात इसमें आती है कि ये हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय ये कौन सा है, क्योंकि ये शायद मेरे हिसाब से जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत नई चीज़ है कि यार ऐसा व्यवसाय तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये व्यवसाय मैं सरल भाषा में बता दूं आपको कि अपन ने देखा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यवसाय चलता रहता है, जैसे कि साड़ी की दुकान या कोई कपड़े का शोरूम है या फिर ऑटो कार से रिलेटेड कोई वर्कशॉप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। अब उसमें जो तीसरी पीढ़ी तक आ गए और वो चल रहे हैं और उसका जो संचालन करता है वो कौन करता है, जो सबसे वृद्ध आदमी है, जो मुख्य है घर का, वो किसका संचालन करता है, इसका करता है, किसका, HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये इसकी क्या फुल फॉर्म होती। ये सबसे पहले क्या पश्चिम बंगाल से उधर से आई थी और ये 1912 के आसपास इसको अपन मानते हैं, इसका ये कोऑपरेटिव जो सेक्टर था ना उससे पहले ही इसका प्रारूप अपने यहाँ पे आया था। इसकी जो पहले सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत मानी जाती है HUF की वैसे, लेकिन इसमें दो चीज़ें ऐसा मिलती, एक तो सबसे पहले कि इसका कर्ता कौन होता है, यानी कि व्यवसाय का संचालन कौन करेगा, तो व्यवसाय का संचालन करता है परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया क्या करेगा, व्यवसाय का संचालन करेगा। और जो इसके जो सदस्य होते हैं, जो सहमासी होते हैं, उसको बोलते हैं सहमासी। ये कौन होंगे, ये होंगे परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से मानी जाती है। इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो क्या होती है दय भाग प्रणाली और एक होती है मिताक्षरा। दय भाग प्रणाली क्या है और मिताक्षरा प्रणाली क्या है, इसकी दो प्रणालियां हैं, मतलब आप टेक्निक समझ सकते हैं या प्रणाली समझ सकते हैं किसकी, HUF की। ये जो मेन बात है ना जूनियर अकाउंटेंट में ये पूछी गई है, एक तो सोल ट्रेड से तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रख लेना कि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, किसका, एकल व्यवसाय का, और दूसरा था असीमित दायित्व होते हैं। इसकी विशेषताओं में लगभग लगभग जितना पूछा गया है एकल व्यवसाय से संबंधित, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, या कोई भी ऐसा कॉमर्स रिलेटेड जो ये जो पोर्शन आ रहा है ना अपने पास, इससे यदि रिलेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संबंधित जो भी हैं उनमें पूछा गया है, तो इसका तो एक इम्पोर्टेंट है, आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, इसमें आप याद रख लेना असीमित दायित्व होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अंतर पूछा जाए यदि आपसे कि सोल ट्रेड, HUF, पार्टनरशिप और कंपनी, कंपनी देगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना आपको, सिर्फ वो कंपनी तो देगा, कंपनी अगर पूछ लिया असीमित दायित्व नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि असीमित दायित्व नहीं है तो वो आ जाएगी क्या, कंपनी आ जाएगी। यदि उसने दे दिया कि LLP है, LLP भी दे दिया यानी कि लिमिटेड लाइबरेटरी पार्टनरशिप दिया, तो आंसर क्या होगा, LLP होगा, क्योंकि इसमें भी सीमित दायित्व होता है। और बाकी इसका जो अत्याधुनिक जो एक तो LLP है और एक कंपनी है, जो आधुनिक जो प्रारूप जो इनके माने गए हैं, उससे पहले जो अपने पास थे पार्टनरशिप, HUF और सोल ट्रेड, ये क्या थे, मतलब परंपरागत अपने पास व्यवसाय के प्रारूप हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि असीमित दायित्व नहीं है तो आपको कंपनी या LLP करना है, और असीमित दायित्व है और आपसे पूछ ले कंपनी दे दिया, LLP दे दिया, या अन्य कोई भी ऑप्शन में देखे पूछ लिया जाए सभी दे दिया, तो आपको एकल व्यवसाय, HUF और पार्टनरशिप, इन में से ऑप्शन को चूज करना है। तो अपन कहाँ पढ़ रहे, अपन थे परिवार का मुखिया, इसका कर्ता होता है, इसका जो संचालन करता होता है ना, संचालन कौन करता है, आपसे पूछ लिया जाए कि HUF का संचालन कौन करता है,
तो HUF का संचालन कौन करेगा? परिवार का मुखिया करेगा। इसके सहमासी मतलब जो सहमासी होते हैं वो कौन होते हैं? परिवार के सदस्य होते हैं। यानी कि इनका क्या होता है, परिवार का जो मुखिया होता है ना उसका तो दायित्व क्या रहेगा, वो बात चलो उसका तो दायित्व क्या रहेगा, असीमित रहेगा। यहाँ पे वही बात आती है, यहाँ भी असीमित दायित्व रहेगा। लेकिन जो परिवार के सदस्य है ना, परिवार के सदस्य, परिवार का सदस्यों के सभी का बराबर रहेगा, सभी का बराबर दायित्व। यानी कि अपन यहां पे क्या कह सकते हैं, सभी का बराबर, यानी कि इसका तो असीमित है, लेकिन इनका जो परिवार के सदस्य हैं उनका कौन सा दायित्व है, उनका दायित्व है सीमित, उनका दायित्व है तो मुख्य बात HUF में आपको जो याद रखनी है, HUF का संचालन कौन करता है, परिवार का मुखिया करता है। इसके बाकी जो सहमासी हो यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं, और उनका जो दायित्व है सभी का बराबर रहेगा। बराबर का मतलब सीमित दायित्व, जितने जिसने अंश ले रखे हैं, यदि जिसने 10, 20 और 30 ऐसे इस रेशो में ले रखे हैं 1-2-3 के अनुपात में, तो उनका अंश क्या रहा है, उनका जो उनकी जो हानि का जो अंश माना जाएगा वो इसी प्रकार से गिना जाएगा। लेकिन बाद में यदि सेठ बचे किसकी बात, परिवार के मुखिया की, परिवार का मुखिया का जो दायित्व रहेगा वो क्या रहेगा, असीमित रहेगा। अपन बात कर रहे थे किसकी, अपन बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे किसकी, इसकी प्रणाली की, प्रणाली, प्रणाली पहला जो प्रणाली थी दया भाग प्रणाली, दया भाग प्रणाली, और दूसरी जो प्रणाली थी इसकी वो थी मिताक्षरा प्रणाली। ये काफी बार पूछा गया है, मिताक्षरा मिताक्षरा प्रणाली। अब बात आती है ये क्या क्या है, दयाभाग प्रणाली में क्या है और मिताक्षरा प्रणाली में क्या है। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं HUF से रिलेटेड, और HUF में अपन देख पा रहे हैं जो दया भाग प्रणाली है ये कहाँ पे चलती है, सिर्फ पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, और बाकी मिताक्षरा प्रणाली शेष भारत में। अब पश्चिमी बंगाल में जो था ना दया भाग प्रणाली में, दया भाग प्रणाली में क्या चीज़ शामिल थी, सभी पुरुष और महिलाएं थे। देखो HUF की जो शुरुआत होती है वो भी पश्चिमी बंगाल से होती है, और ये जो प्रणाली वहाँ से ही निकल के आ रही है, क्योंकि पहला जो इसका ये जो मिताक्षरा प्रणाली थी ये इसका सुधारात्मक प्रारूप था, किसका, HUF का। पहले जब शुरुआत हुई तो इन्होंने दया भाग प्रणाली को अपनाया गया पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे पुरुष और वह महिला बराबर बराबर सहमासी माने गए, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या था, HUF में दया भाग प्रणाली के अंदर पुरुष और महिला दोनों को बराबर माना गया था। लेकिन इनका देखो प्रारूप पश्चिमी बंगाल में पुरुष और महिला दोनों को शामिल किया गया व्यवसाय में, लेकिन जो मिताक्षरा प्रणाली जब अपनाई गई शेष भारत में, शेष भारत में जब इसको शामिल किया गया तो इस व्यवसाय में सिर्फ किसको शामिल किया गया, सिर्फ पुरुष को शामिल किया गया, महिला को हटा दिया गया। अब सोचो भाई इसका क्या हो रहा है, एक तो सुधारात्मक रूप अपनाया जा रहा है, और सुधारात्मक रूप में महिला को हटा के और क्या किया गया, सिर्फ पुरुष को शामिल किया गया शेष भारत में। सिर्फ कौन रहेगा, इसका मतलब मिताक्षर प्रणाली का मतलब सिर्फ पुरुष ही प्रतिभागी रहेगा, महिला को शामिल नहीं किया गया। बाकी यहां लिखा गया है कि इसके जो परिवार के सभी सदस्य हैं, परिवार के सभी सदस्य क्या रहेंगे, HUF के सदस्य माने जाएंगे, मतलब व्यवसाय के जो प्रतिभागी रहेंगे व्यवसाय में वो परिवार के सभी सदस्यों को माना जाएगा। लेकिन मिताक्षरा प्रणाली में महिलाओं को हटा दिया गया, परिवार के सदस्यों से सिर्फ और सिर्फ प्रतिभागी माना गया पुरुष को। ये बात किसकी आती है, अपन ने पढ़ रहे थे HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो व्यवसाय है उसका प्रारूप था, और उसकी प्रारूप की जो शुरुआत हुई थी वो पश्चिमी बंगाल से हुई थी, और पश्चिमी बंगाल से इसके क्या माना गया, कर्ता को,
कर्ता को परिवार का मुखिया, यानी कि इसका संचालन कौन करेगा? चुप का परिवार का मुखिया करेगा। परिवार का मुखिया, अब बात अपन ने पढ़ा था वहां पहले, इससे पहले कि परिवार के मुखिया का दायित्व, बात आती है दायित्व की। अब लायबिलिटी पढ़ते हैं अपन यहां पे। परिवार के मुखिया का दायित्व क्या रहेगा? असीमित, मेन बात असीमित रहेगा। और परिवार के सदस्यों का जो दायित्व रहेगा वो रहेगा सीमित। ठीक है, दो चीजें जो मेन फोकस करने की जो आपकी चीज है ना, सबसे पहले यही है कि इसका संचालन कौन करेगा? परिवार का जो वृद्ध है, परिवार का जो मुखिया है, वो संचालन करेगा, और उसका दायित्व असीमित होता है, और परिवार के अन्य सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। मेन जो जूनियर अकाउंटेंट में आने की जो बात है वो ये है, अभी तक जितना एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ ये चीज़ें पूछी गई है, बाकी कुछ नहीं पूछा गया। लिख रखा है सिलेबस में महत्व, विशेषताएँ, ये मतलब ये सब क्षेत्र, मतलब ये चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जो मेन इसका टॉपिक है, मतलब अब बात अगर अपन करेंगे HUF की, HUF में मतलब विशेषताओं की बात करें तो अपन लिखते हैं परंपरागत व्यवसाय। अब आती है भाई एकल व्यवसाय वाली, सीमित क्षेत्र होता है, सीमित कार्यकुशलता, एक परिवार में कितनी सीमित पूंजी होती है, चीज़ें वही है जो व्यवसाय में पढ़ी, एकल व्यवसाय में पढ़ी, और अब वही चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं अपन? HUF में पढ़ रहे हैं। तो सीमित व्यवसाय का क्षेत्र रहेगा, स्वामित्व किसका रहेगा? परिवार के मुखिया का रहेगा। अब आती हो सकता है इसमें मितव्ययी हो, मितव्ययी संचालन में मितवता रहती है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब बात आती है इसकी, इसका रजिस्टर्स किसके द्वारा किया जाता है, इसमें क्या वैधानिक अनिवार्यता होती है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार, ये आपको मोस्टली याद करना है इसका। जो रजिस्ट्रेशन होगा ना इसका, वो किसके तहत होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, क्या है 1956, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी कि वहां क्या था, वैधानिक अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन यहां अपन देख रहे हैं कि वैधानिक अनिवार्यता जरूरी है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। दायित्व, दायित्व को बता ही दिया, कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, कोई प्रतिबंध सदस्यों में क्या होता है, कोई अधिकतम प्रतिबंध नहीं है। अब बात आती है अवयस्क सदस्य बन सकता है क्या? भाई अभी तक अपन ने पढ़ा पर असीमित दायित्व के बारे में पढ़ा, सीमित दायित्व के बारे में, अवैधानिक अनिवार्यता होती है, सीमित पूंजी क्षेत्र होता है, सीमित कार्यकुशलता होती है, और अब बात आती है इसकी बात आएगी अवयस्क, अवयस्क सदस्य बन सकता है, प्रतिबंध होता है इसमें क्या, लेकिन इसमें क्या है कि जो अपन पढ़ रहे हैं HUF, लेकिन HUF में क्या रहेगा, अभी तक अपन ने क्या क्या देखा था कि दायित्व क्या होता है, कर्ता का तो सीमित होता है और बाकी सदस्यों का क्या होता है, नहीं कर्ता का तो असीमित, असीमित कर्ता, और सीमित, सीमित किसका होता है, सदस्यों का। वैधानिक अनिवार्यता यानी किसका रजिस्ट्रेशन, हिंदू उत्तराधिकार,
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, 1956 है ये। रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब इसके दायित्व से जो अपन ने पढ़ा सीमित और असीमित दोनों प्रकार के होते हैं, ये याद रख लेना आप। ये तो कर्ता का होता है और जो सीमित होता है वो परिवार के सदस्य या सहमासी बोलते हैं इनको, सह सहमासी। रजिस्ट्रेशन, अब बात आती है एवेस के सदस्य बन सकता है क्या? तो एवेस के जो सदस्य है, पहली बात तो ये कि क्या व्यवसाय में एवेस को सदस्य बनाया जा सकता है? ये कंपनी एक्ट में तो साफ सुथरा लिखा हुआ है और किसमें, साझेदारी एक्ट में भी, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि लाभ के लिए अपन बना सकते हैं किसी को, लेकिन हानि के लिए एवेस को साझेदार नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ अपन ने पढ़ा था कि हिंदू अनडिविडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिविडेड जो फैमिली है, जो अनडिवाइडेड है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनडिवाइडेड की बात यहाँ आ गई, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कोई प्रतिबंध नहीं। बात समझ में आ रही होगी कि HUF क्या है। सबसे अपन ने पहले पढ़ा HUF क्या है, तो HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्यवसाय का क्या है, प्रारूप है, एक स्ट्रक्चर है। उसका संचालनकर्ता कौन होता है, संचालनकर्ता होता है परिवार का मुखिया होता है यहाँ पे, ठीक है, अपन ने यहाँ पढ़ा मुखिया, ठीक है। अब ये सदस्य क्या कहलाते हैं, सदस्य इसके सहमासी कहलाएंगे, जो बाकी जो शेष परिवार के जो सदस्य हैं ये क्या है, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य क्या कहलाएंगे, सहमासी कहलाएंगे। बात होती है इसकी वैधानिक अनिवार्यता की, रजिस्ट्रेशन किसके तहत होगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होगा। बात अपन कर रहे हैं कि कोई एवेस साझेदार बन सकता है, हाँ बिल्कुल, एवेस के क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता। अब बात आती है इसके सदस्य कौन कौन बन सकते हैं, कि सदस्य कितने, मेंबर कौन कौन हो सकता है, क्या मेंबर फिक्स है, नो लिमिट, जितने परिवार में सदस्य हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। अब बात आती है इसके क्षेत्र की, भाई क्षेत्र तो सीमित होता है ना, सीमित क्षेत्र। अब सीमित क्षेत्र किस किस में, देखो व्यवसाय में, पूंजी में, कार्य कुशलता में, इन सब में क्या रहेगा। अब एक 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 परिवार है, एक परिवार व्यवसाय को कितना चला सकता है, भाई ये तो है नहीं कि सारी कार्य कुशलताएं हर व्यक्ति में, पहली बात तो ये कि इसका कौन होता है, मुखिया होता है। अब आपको भी बताया कि अपने घर में जो वृद्ध आदमी है वो कितना, तो उसके पास आधुनिक जो पॉलिसीज हैं उनका कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, ये आप सबको भी बताएं। दूसरी बात है एक 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 परिवार के पास कितनी पूंजी हो सकती है, कितनी कार्य कुशलता हो सकती है, और आज का आधुनिक युग किसका है, टेक्नोलॉजी का है। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और जिस व्यवसाय ने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया वो क्या हुआ, अभी तक फेल हुआ है, अपन बात कर रहे थे, ठीक है। ये हुआ HUF का। अब HUF आपके समझ में आ गया होगा, बाकी अगर नहीं आया तो आपको फिर से, जैसे मैं अभी रिवाइज करूँगा क्लास को, तब समझा दिया जाएगा। अब बात